लॉकडाउन के चलते सभी ऑफिस के कार्य बंद रहने के बाद भी लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते बनाने के नाम पर गुमराह कर लूटा जा रहा है। ऐसी ही एक घटना भंडारा जिले में भी घटित हुई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला दूसरी महिलाओं से पूछ रही है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो महिला ने बताया कि हमसे 200 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसमें से 100 रुपए खाते में जमा किए जाएंगे और 100 रुपए खाता बनाने वाला रखने वाला है। किस तरह से ये अपनी जेबें भरने का गोरख धंधा चला रहे हैं। स्टेट बैंक के सामने के ऑफिस में बुलाकर लोगों को गुमराह कर लूटा जा रहा है। लॉकडाउन के चलते लोगों की लूटमारी का कारोबार शुरू किया गया है, जिसमें जनधन योजना के अकाउंट बनाने के नाम पर पैसे लूटने का काम किया जाता है। खाता खोलने आयो? कौन बोला आपको यहाँ जनधन खाता खुल रहा है? हाँ? और काय सांगितलं? ये ते आहे मोदार मैं क्या बोले? या बोले जनधन खाता खुल रहा है, नया खाता खुल रहा है, खाता जनधन का खुल रहा है, इसलिए हम आए। अच्छा, आपको भी नया जनधन खाता खोलने आया है, जबकि आपको मालूम है कि कोई नया खाता नहीं खुल रहा है? आपको जानकारी है इसकी? नहीं। तो पढ़े लिखे हमें पता करना चाहिए ना कि बंद में नया खाता कैसे खुल रहा है। हाँ, आप लोगों ने पूछा नहीं, जानकारी नहीं ली कुछ? आपको किसने बताया कि नया खाता खुल रहा है? हमारा खाता खुला नहीं था, इसलिए हमारा खाता खुल रहा है। हाँ, और कितने रुपए लेने की बात हुई है? हमारे इधर के लेडीज लोग आए थे, वो बोल रहे थे कि 200 रुपए लेंगे, 100 रुपए अकाउंट में जमा होंगे, 100 रुपए इन लोग लेने वाले होंगे। हाँ। तो आपका अकाउंट है क्या पुराना? हम बोले नहीं। तो बोले नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं जनधन के, तो आप खोल लो। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से 3 महीने जैसे 500 रुपए मिलने वाला है, और जैसे मतलब जनधन चालू ही रहेगा, इसलिए बोले। जबकि आपको पता है कोई नया खाता नहीं खुल रहा है, ये पुराना। जब उनसे पूछा तो वो बोलते पुराने खातों को देख रहे हैं। नहीं, हाँ, इसके बारे में कोई जानकारी। और 200 रुपए दे मालूम भी नहीं आप? अगर आप जितना भी पैसा जमा कर रहे हो, वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ही जमा होना चाहिए। हाँ, सही बात है। और एक मिनिमम लेती है सरकार, ऐसा नहीं नहीं लेती, लेकिन मिनिमम लेती तो आपको उतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना। फिर आपको मालूम है कि आप लूट रहे थे, आपको 200 रुपए के लालच में, आप 500 रुपए के लालच में अपने 200 रुपए गवा बैठते। ज़्यादा हो गए पैसे 200 वाले, क्योंकि 50 को खुल रहा था खाता पहले, तो नहीं बोले अभी 200 में खुलता है बोले। और 100 रुपये जमा होंगे आपके? हाँ, और 100 अपने पास रखेंगे? नहीं, मैंने इनको पूछा तो बोले अथॉरिटी है इनको 200 रुपये लेने की। हाँ? मैडम नहीं कहा मुझसे कि आप किससे बात करना है, करिए 200 रुपये लेने की आपको अथॉरिटी। आपने कहा पैसा ले रहे हो इतना जानते हो, बाकी रूल्स रेगुलेशन नहीं जानते? मेरे सवाल का जवाब क्यों? ग्राहक सेवा केंद्र आपका नाम है और यहाँ आप लोगों को लूट रहे कैसे? एक तो बंद में अलाउ नहीं है, उसके बाद आप लोग ये काम कैसे कर रहे हैं बताइए जरा। काम कर रहे हैं और लोगों से लूट रहे हो? यहाँ बैठे हुए सब लोगों को बता रही हूँ मैं, एक जन भी 1 रुपया नहीं देगा एक्स्ट्रा, जो देगा उसके खाते में है। ये जो भी कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र वाले, बहुत गलत कर रहे हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, Facebook, Twitter, Instagram पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और Google Play Store से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।